Hello students, this is Sidra from Edu Input. Today we will discuss osmoregulation in plants. प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं ओवरव्यू ऑफ होम्योस्टेसिस, थर्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन. आज हम डिटेल में देखेंगे कि ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है और प्लांट्स में ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस किस तरह से होता है. व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन? ऑस्मोरेगुलेशन इज मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ऑफ वाटर, साल्ट एंड मेटाबोलाइट्स. यानी अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर वाटर का एक सेट पॉइंट है, यानी इतनी क्वांटिटी में वाटर जो है उसको रिक्वायर्ड होता है एक्टिव फंक्शनिंग के लिए. इसके अलावा सॉल्ट्स में भी ऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक. यानी इनकी भी बैलेंस्ड अमाउंट रिक्वायर्ड होती है. इसके अलावा मेटाबोलाइट्स हैं. मेटाबोलाइट्स फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स, न्यूक्लियोसाइड्स, और इन सब के बैलेंस को ओवरऑल कौन कंट्रोल करता है, कौन मेंटेन करता है? सेल के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. वाटर, साल्ट और मेटाबोलाइट्स के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम पहले ये देख लेते हैं कि एनवायरनमेंट जो है वो कितनी टाइप का होता है. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक. हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट क्या होता है? हाइपर इसके नेम से हमें पता चल रहा है कि इसमें क्या होगा, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. इससे क्या होगा कि जब सॉल्वेंट की अमाउंट कम होगी और सॉल्यूट की मिकदार ज्यादा होगी तो इससे क्या होगा, सेल का जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, मोर कंसेंट्रेटेड हो जाएगा. तो यहां पर हम बात करें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर सॉल्यूट कंसेंट्रेशन ज्यादा है तो वो इन्वायरमेंट क्या होगा, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होगा. ये सेल को कैसे अफेक्ट करेगा? फॉर एग्जाम्पल ये हम ले रहे हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और ये क्या है, हाइपरटोनिक है. हाइपरटोनिक यानी ये मोर कंसेंट्रेशन होगा. ये सेल है, ये सेल को कैसे अफेक्ट करेगा? जब यहां पर कंसेंट्रेशन इसकी ज्यादा होगी तो यहां से इसकी सेल के अंदर मूवमेंट ज्यादा होगी सॉल्यूट की, जिससे सेल जो है उसका स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रह सकेगा. नेक्स्ट इज हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट. हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में क्या होता है? हाइपो मींस लोअर. इससे क्या होगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा. डाइल्यूट सॉल्यूशन किस तरह से बनेगा? इसमें लोअर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज्यादा हो जाएगा तो इससे क्या होगा, सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा. यानी एनवायरनमेंट क्या है हमारा, डाइल्यूट है. अब अगर यहां देखें, ये हम प्लांट सेल को प्रोवाइड करें हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट. ये सेल है, जब हम उसको हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं तो सेल क्या होगा, इसकी टर्जिडिटी ज्यादा हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्मल सेल लेवल जो है, नॉर्मल सेल स्ट्रक्चर अगर ऐसा है, जब हम उसको हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे तो उसकी टर्जिडिटी ज्यादा हो जाएगी, वो ज्यादा टर्जिड हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इसके लाइसिस हो सकती है या डिस्ट्रक्शन. नेक्स्ट इज आइसोटोनिक एनवायरनमेंट.
आइसोटोनिक एनवायरनमेंट जो है ना, ये हाइपरटोनिक है एंड नॉट हाइपोटोनिक। ये क्या होगा, इसके अंदर क्या था? हाइपरटोनिक में हमने देखा कि सॉल्यूट ज्यादा था, हाइपोटोनिक में सॉल्वेंट। आइसोटोनिक में क्या होता है, ये इन दोनों के इन बिटवीन होता है, यानी बैलेंस्ड होता है, बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में सेल स्ट्रक्चर अपने नॉर्मल साइज में प्रेजेंट रहता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो इसका आउटर एनवायरनमेंट है यहाँ पे, ये क्या है, आइसोटोनिक है। और सेल के अंदर भी एनवायरनमेंट क्या है, आइसोटोनिक है, जिससे क्या होता है, सेल बैलेंस्ड रहता है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बैलेंस रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है, यानी उसमें वाटर बैलेंस किस तरह से होता है, ये बेस करता है प्लांट्स के हैबिटेट पे, यानी प्लांट्स जो हैं वो कहाँ पर रह रहे हैं, इस चीज पर बेस कर रहा है कि उनमें ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस जो है वो कैसा होगा। तीन तरह के प्लांट्स होते हैं, हाइड्रोफाइट्स, जिसके नाम से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर हो सकती होगी। मीजोफाइट्स मीडिएटेड इन्वायरमेंट में रहते हैं, और जीरोफाइट्स टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में। अब इनका जैसा इनको इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे हमने पीछे देखा सेल को जैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है उस पे, उसी का इफेक्ट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है, और उसी में ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस उसके इन्वायरमेंट पे बेस करते हुए उसकी बॉडी के अंदर, सेल बॉडी के अंदर वाटर साल्ट और मेटाबोलाइट्स की कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनके पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर होती है, फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं। जैसे अगर हम वाटर लिली की एग्जांपल लेते हैं, अब ऐसे ये प्लांट्स जो हैं, ये क्या हैं, ऑल टाइम इनके पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है, तो इनको क्या करना है, इन्होंने एक्सेसिव अमाउंट वाटर की जो है उसको बाहर रिलीज करना है। तो इसके लिए इनके कुछ अडॉप्टेशंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनका सरफेस एरिया लार्जर होता है देन नॉर्मल प्लांट। सरफेस एरिया यहाँ पर आप देखें, वाटर लिली का जो प्लांट है, इसके लीव्स का सरफेस एरिया ज्यादा है। लीव्स का सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो इसमें क्या होंगे, मोर स्टोमेटा, स्टोमेटा ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली इसमें ट्रांसपायरेशन जो है वो, उसका मोर ट्रांसपायरेशन होगी। जब ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी तो इससे क्या होगा, मोर लॉस ऑफ वाटर। इस तरह से इनकी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को मेंटेन किया जाता है, कि उनके अंदर एक्सेसिव वाटर जो है उसको ट्रांसपायरेशन के थ्रू बाहर रिलीज कर दिया जाता है। अब ये स्टोमेटा जो है, इनकी लीव्स के अंदर जो इनकी आउटर लेयर होती है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, और ये स्टोमेटा जो है ये इस एपिडर्मिस एपिडर्मिस लेयर में, एपिडर्मल लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉस हो सके। नेक्स्ट है मीजोफाइट्स। मीजोफाइट्स जो हैं आइसोटोनिक होते हैं, आइसोटोनिक टू देयर इन्वायरमेंट, यानी ये इनकी बॉडी के अंदर वाटर साल्ट बैलेंस जो है वो क्या होता है, मॉडरेट होता है बनिस्बत जीरोफाइट्स के और हाइड्रोफाइट्स के। इनके अडॉप्टेशन क्या हैं, अगर इनके पास एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो उसके लिए इनके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, उसके थ्रू ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर को बाहर रिलीज कर देते हैं। लेकिन अगर इनके पास रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट ऑफ वाटर होती है तो ये स्टोमेटा को क्लोज करके ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है उसको स्लो कर देते हैं, जिससे वाटर लॉस नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मैंगोज, रोज प्लांट।
नेक्स्ट है जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनके पास नो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और लेस देन रिक्वायर्ड, यानी जितना इनको वाटर अमाउंट इनको जितनी रिक्वायर्ड होती है या तो उससे बहुत कम इनको वाटर जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। इनमें अडॉप्टेशन होती हैं ताकि इनमें वाटर लॉस जो है उसको कम से कम किया जा सके। स्मॉल एंड थिक लीव्स, स्मॉल लीव्स अगर होंगे तो इसमें क्या होगा, स्टोमेटा की नंबर ऑफ स्टोमेटा भी कम होंगे। जब नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होंगे तो क्या होगा, लोअर ट्रांसपायरेशन। जब ट्रांसपायरेशन नहीं होगी तो नो लॉस ऑफ वाटर। इन प्लांट सेल्स में थिक और वैक्सी लेदरी क्यूटिकल होती है, यानी ये जो प्लांट्स हैं इनकी आउटर लेयर पे क्यूटिकल प्रेजेंट होती है जो क्या करती है, वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। स्टोमेटा आर ऑन लोअर सरफेस, अगर अपर सरफेस पर स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे तो इसका मतलब है कि ट्रांसपायरेशन ज्यादा होगी, तो इसलिए इनके अंदर क्या होता है, स्टोमेटा लोअर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं ताकि वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जा सके और इनको और इनकी बॉडी के अंदर वाटर की जो रिक्वायर्ड अमाउंट है उसको मेंटेन किया जा सके। आज के टॉपिक के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं ezooinput.com। थैंक यू।